चंपावत जनपद के जिला मुख्यालय व टनकपुर नगर में सेना में भर्ती होने की तैयारी करने वाले युवाओं ने इस योजना का जमकर विरोध किया। युवाओं ने कहा कि इस योजना में कई खामियां हैं। योजना के अंतर्गत सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्तियां की जाएंगी, जिसके बाद 75% युवाओं को एक बार फिर से रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर युवा ऐसे भी थे जिन्होंने बीते समय में सेना भर्ती के फिजिकल टेस्ट पास कर लिए थे और अब लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ सरकार ने धोखा किया है। यदि केंद्र सरकार अपनी योजना को जल्द वापस नहीं लेती है तो युवा सड़कों में उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान युवाओं ने कहा कि सरकार युवाओं को छलने की कोशिश ना करे। आक्रोशित युवाओं ने अपनी मांगों से संबंधित केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी उप जिला अधिकारी चंपावत को सौंपा। वहीं इस मुद्दे पर उप जिला अधिकारी ने युवाओं की मांग का ज्ञापन पत्र जल्द ही केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री और भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है। जिला अधिकारी मोदी के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री सर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इस सैन्य विज्ञान से PhD भी हूँ। तो उत्तराखंड जो है एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के लिए आज युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था जो है, हम अपना हक मांग रहे हैं, ये TOD वापिस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। वक्त से पहले सर हमारे देखिए, इतने साल से हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे आने से 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने सोचा नहीं किसी चीज के बारे में सर, योजना नहीं है सर। पहली बात तो नाम ही रखा है टूर ऑफ ड्यूटी,